दोस्तों सीतामढ़ी जोन में मैं कितने बार आ चुका हूँ इस रूट पे, 25-30 बार तो मेरा हो गया होगा यहाँ से जो है, पर जो मज़ा सफारी पे आ रहा है वो मज़ा अलग है। लेपर्ड सेटिंग हो रही है इधर, लेपर्ड बैठा पेड़ पे। अच्छा दो बार देना, दो तीन बार गाड़ी तो हॉर्न बजा देना, बस बस बस। तो कैसे क्लो मार्किंग करता है टाइगर, क्लो मार्किंग अलग अलग टाइगर के लग रहे हैं। एक आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी काल मूवी, हाँ जी हाँ, 2005 में रिलीज हुई थी, हाँ जी, उसकी शूटिंग भी सर इधर ही हुई है, उसका लगभग 50% पार्ट जो है वो इधर ही शूट हुआ है, अजय देवगन की थी जी, अजय देवगन। तो ये आ गया सीतामढ़ी टेंपल, मान्यता यह है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। गाड़ी के ऊपर से गया, हाँ ये फ्रेश है ये तो, क्योंकि ये देखो उभरा हुआ ऊपर को उभरा हुआ ऐसे, इधर को गया टाइगर जो है। पाँच मिनट में रेडी, लोगरा जी भी आ गए, फास्ट काम है हमारे, बिल्कुल फास्ट। यहाँ से सीतामढ़ी जोन जाने में लग जाएंगे हमें, 1 घंटा लग जाएगा भंडार पानी पहुँचने में। लोगरा जी आप जानते ही हो डोगरा जी को, हमारे मित्र। अरे डोगरा जी क्या बात है, देख लो मीटिंग हो गई हमारी, मिल गई फिर दोबारा एक बार। मज़ा आ गया, चलो चलो अभी निकलते हैं फटाफट सीतामढ़ी जोन, जो जरूरी चीज़ें उठा लेते हैं गाड़ी से, रेस्ट हाउस और इसके सामने सीतामढ़ी जोन की हमारी सफारी, इधर से जाएंगे आज पवलगढ़ से होते हुए। बहुत घूम लिया पवलगढ़, बहुत घूम लिया, अभी आपको अभी सीतामढ़ी जोन में बोलता हूँ ना कि इधर से जाएंगे और इधर से ही रिटर्न आएंगे पवलगढ़ से ही, तो आज हम वही करने वाले हैं। पहले यहाँ से जाएंगे क्यारी के जंगलों में, डोगरा जी बताएंगे, डोगरा जी कितने किलोमीटर का अपना रूट रहेगा, कैसे जाना है हमको। 52 किलोमीटर, इधर ऐसे आ जाओ थोड़ा रोशनी भी आ जाएगी हमारे ऊपर, हाँ 52 किलोमीटर का अपना रूट है। पहले कहाँ जाएंगे, पहले हम लोग निकलेंगे यहाँ से जंगल कवर करते हुए क्यारी, क्यारी जाएंगे पहले, क्यारी गांव, क्यारी के बाद जाएंगे हम, क्यारी गांव पार करने के बाद एक जंगल और तो आएगा, एक और आएगा हाईवे आएगा जो अपना रामनगर वाला है, ठीक है। टेढ़ा गेट हो गया, भंडार पानी हो गया, फिर घूम के इधर रिटर्न इधर ही आएंगे, ये मजा है। वहाँ से तो सफारी कम है ना, फिर यहाँ से ज़्यादा हो गई, हमें डबल हो गई जो है, चलो बढ़िया है, चलते हैं दोस्तों। देखो बाकी लक है वरना क्या दिखता है, कोई गारंटी होती नहीं कोई भी जंगल की, क्यों जी पूरा जिम लोगों को लोगों को हाँ लोगों तो निकाला में भी दिखता कई बार जो है, क्यों। ये देखिए दीदी हमारे लिए गरम गरम पकौड़े लाए हैं, आप कभी भी सफारी करें दीदी से, बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया, हमने एक प्लेट खा ली है और मंगाई है, थोड़ी चटनी कम दी आपने दीदी, बहुत की चटनी है सर, ये पहाड़ी चटनी है। आप खाना मत खा के आना सफारी से, पहले पकोड़े ही खाना यहाँ से पवलगढ़ से, बहुत अच्छा लगेगा, और ये चाय मिल जाएगी कॉफ़ी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है दीदी ले जाता हूँ मैं, थैंक यू भाई। एक प्लेट चट कर गए हम, दूसरी शुरू। पहले हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, जो हमारा जो परमिट है यहाँ चेक होगा, हमारे आईडीज दिखाने पड़ेंगे पहले, तो उसके बाद फिर हम मंदिर जाएंगे। दोस्तों ये हमारी सीतामढ़ी जोन की सफारी शुरू पवलगढ़ से, बाकी जानकारी आपको देंगे अजय भाई यहाँ के जो गाइड हैं। मेरा नाम है अजय बधानी, ठीक है। हम अभी एंटर कर रहे हैं सीतामढ़ी जोन, हाँ जी हाँ, जो कि पीसीआर का एक जोन है, ठीक है। पीसीआर बोले तो कॉर्बेट का लैंडस्केप एरिया, ठीक है, लैंडस्केप यानी कि सटा इलाका, हाँ जी ठीक। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं, हाँ जी, और एग्जिट भी हम इसी के बगल वाले गेट से करेंगे, हाँ जी हाँ जी। और इसमें आगे जाके हमारे पास एक और गेट पड़ेगा, टेढ़ा गेट जी, वहाँ से हम लोग बफर जोन में एंटर करेंगे, ठीक है। बफर जोन 14 किलोमीटर तक का है, हाँ जी। वहाँ के बाद एक और एंट्री पॉइंट आता है, हाँ जी हाँ। उसके बाद हम लोग भंडार पानी के बाद से जो है ऑफ रोडिंग करेंगे, हाँ। जो समथिंग 20 किलोमीटर की होगी, ओके जी। तो भंडार पानी से हमारा मेन जंगल शुरू हो जाएगा, हाँ। मेन सर सारे ही मेन जंगल होता है, बट वहाँ से क्या है कि ऑफ रोडिंग ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। डीप फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि भंडार पानी तो पक्की सड़क है ना, हाँ भंडार पानी तक पक्की सड़क है। यहाँ तो बहुत टाइगर होंगे यहाँ भी इस एरिया में भी, हाँ टाइगर तो मैक्स है सर। थोड़ा सा यहाँ की क्या मोमेंट रहती है यहाँ भी जो है शाम को, टाइगर सर क्या है ना सॉलिटरी एनिमल है, हाँ जी। मतलब कि अकेला रहने वाला, बिल्कुल। तो वो क्या करता है, एक तो नॉक्टर्नल तो एनिमल होते ही है, हाँ जी हाँ, लेकिन ये जो मूवमेंट करते हैं बेसिकली नाइट में मूवमेंट करते हैं, सही बात है। तो मैक्सिमम जो इनकी मूवमेंट होती है वो नाइट की रहती है, सही है। अभी देखते हैं सर आगे हमें क्या दिखता है, अपना शिकार रात को कर लेते हैं, हाँ। ये एक रिवर बेल्ट है सर यहाँ पे, हाँ जी हाँ, ये हमारा इसका नाम है दाबका रिवर, दाबका रिवर या।
ये बारिश में फुल चलती होगी? हाँ, बारिश में ये जोन ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, जुलाई 1 से नवंबर तक का ये जोन ऑफ रहता है, 30 अक्टूबर तक, बिकॉज ऑफ रेन। इसमें जो मैक्सिमम ट्रीज आपको दिखेंगे वो तो सर सागौन के दिखेंगे, टेक वुड ज़्यादा ज़्यादा रहेगा। साल भी दिख रहे हैं? साल भी दिखेंगे सर। ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है सर क्यारी। इसमें आगे जाके एक विलेज पड़ता है। हाँ हाँ, लोकल लोग तो इसको यूज़ भी करते हैं। हाँ लोकल लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए सर ऐसा कोई प्रतिबंध टाइप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर ये लोग हेल्पर होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। सही बात है। उन सिचुएशन में सर जहाँ पे सडनली कोई इंसिडेंट हो जाता है जंगल के अंदर ना, जैसे आग लग जाएगी, तो उसमें वो हेल्प करते हैं फॉरेस्ट वालों की काफ़ी, तो उनके लिए इतना अलाउ करते हैं वो लोग। सब रोहिणी के पेड़ तोड़े हुए हैं? सब रोहिणी के पेड़ है सर। करना एलिफेंट की क्या मूवमेंट रहती है? एलिफेंट सर एक माइग्रेटिव एनिमल है। हाँ जी, बेसिकली वो दिन में जो है 16 से 18 घंटे चलता है, ट्रैक करता है। सही है। तो उसका एक ऐसा सर्टेन मतलब ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे वो स्टेबल है, क्योंकि वो चलता रहता है, ट्रैकिंग करता रहता है। तो अभी यहाँ है तो बता नहीं सकते कि कल तक वो कहाँ होगा। सही बात है। तोड़ फोड़ तो करी हुई है। मैंने सफारी करी थी यहाँ, यहाँ पे 2021 में जी साथ थे TCR में। हाँ TCR नहीं, तब मैंने सीतापनी जोन से ही करी थी। अच्छा। टेढ़ा गेट से। अच्छा। हाँ, आज पहली बार इधर से कर रहा हूँ। इधर में बस सर ये सफारी रूट बड़ा भी हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे ना आपको एक साइड तो देख रहे होंगे आपकी ओनली टीक वुड मिल रहा है, मैक्स, और नीचे आपको दिख रहा होगा कि मिक्स फॉरेस्ट मिल रहा है जी, काफ़ी डेंस भी है। सही बात है। डेंस फॉरेस्ट में सर टाइगर को ट्रैक करना बहुत टफ होता है, बिकॉज हम 10 मीटर तक तो क्लियर देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है सर हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसे में हमारी हेल्प करते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स, लाइक डियर, लाइक ब्लैक फेस मंकी। भाई अलार्म कॉल तो आपने सुनी होगी। बिल्कुल, अलार्म कॉल के थ्रू ही हमें पता चलता है अगर, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा एनिमल है ना पीछे। सही बात है। तो एक होती है पैनिक कॉल, कुछ एनिमल जो है ना पैनिक कॉल करते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है। उसमें आता है सांबर डियर जो श्योर करता है कि टाइगर उसके नियरेस्ट कहीं है, अराउंड कहीं है। हाँ जी, और बाकी की, हाँ मंकी की, ब्लैक फिश मंकी ना, और इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहती है सर, डियर्स की और मंकी की ना बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है जी। आपस में एक हेल्पर भी, हेल्प के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है। ऊपर से पेड़ से हेल्प करता है उसकी। हाँ, खाना गिराता है उनके, खाना गिराता है उनके लिए। मंकी उनको उनको लड़ भी करता है। या टाइगर जो देख के जो है अलार्म कॉल देता है, वो मंकी भी, वो 100% मानी जाती है। 100% मानी जाती है। हाँ जी, जंगल तो बहुत प्यारा है ये वाला, आगे और अच्छा लगेगा सर। बहुत ही प्यारा। क्यारी में तो मैं बहुत बार रुका हूँ। एवरग्रीन फॉरेस्ट है सर। हाँ जी, टेक बुक तो क्या है ना, ये मेरा पार्ट रह गया था डोगरा जी, ये पार्ट रह गया था मेरा लिखना। हाँ, अपना कैरी तो बहुत घूमे हैं, आज यही ऐड होता सर। हाँ, बहुत ही प्यारा जंगल है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब बरसाती नाले हैं सर ये। हाँ जी हाँ, ये बहुत बड़े रीज़न है सर बरसात में जोन ऑफ करने के। जानकारी दीजिए, जैसे यहाँ से कितनी गाड़ी की एंट्री होती है? यहाँ से 60 और वहाँ से टेढ़ा, वो भी 60 है सर। इन्हें 120 गाड़ी एक सेशन में एंटर करती है जोन के अंदर सर, टेढ़ा गेट से। या सर 120 गाड़ी अंदर जाती है? 120 गाड़ी अंदर सबसे ज़्यादा है एक बार जी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। उसके बाद फाटो हो गया, उसके बाद अदर जोन आते हैं सर। तो देखा जाए इस जोन में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। हालांकि टाइगर बहुत है इस जोन, बहुत है सर। हाँ, एक सर ये भी रीज़न है इसका, क्योंकि सर क्राउड ज़्यादा है तो एनिमल डिस्टर्ब हो जाता है। सही बात है। डिस्टर्बेंस में ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैक करे। हाँ जी। और दूसरा सर आप देख ही रहे हैं डेंस फॉरेस्ट, विजिबिलिटी हमारी दूर तक जा नहीं पा रही है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मैं और उसको अभी तो सर खाली टीक वुड और मिक्स फॉरेस्ट ही आया है। हाँ जी। जब से एक साल का फॉरेस्ट लगेगा वहाँ से आपको और अच्छा लगेगा। वो आएगा भंडार पानी। हाँ, भंडार पानी से अंदर थोड़ा क्यारी में भी आएगा। हाँ, जंगल की खूबसूरती देखिए, जैसे बोलता हूँ हर बार, ये देखिए कितना प्यारा फॉरेस्ट है। यहाँ ज़बरदस्त वाइल्ड मूवमेंट है, पर दोस्तों आपको जैसे बताया भैया ने कि 120 गाड़ियाँ जंगल में घूमती हैं, तो उसके शोर से वाइल्ड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है और रोड पे नहीं आएगी। बहुत रेयर चांस है कि टाइगर आ जाए,
और काफी टाइम लोगों को दिखता भी है टाइगर तो यहाँ बहुत बार। हाँ दिखा है काफी बार। वही है ना सर, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग सर, जब डिस्टर्बेंस कम रहता है ना, सही में उस टाइम पर ज्यादा साइटिंग है। इतनी बढ़िया रहा हमारा ये वाला जो जंगल। इसके बाद देखिए क्यारी विलेज शुरू सामने, क्यारी आ गया। यहाँ भी चाय कॉफी मिल जाती है लोगों को ना पीने खाने पीने को। तो इधर ही टाइगर ग्रुप तो इधर पीछे है ना। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया रामनगर हल्द्वानी रूट जो है। यहाँ से राइट होके बैराज जाएंगे, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे सीताबनी जोन की सफारी। हाँ लव कुश का जन्म यहीं हुआ था ना। ये देखिए दोस्तों आ गए हम सीताबनी 23, जो मंदिर का बताया हुआ 23 सीताबनी। नीचे दोस्तों अपनी गाड़ी पे जाते हैं हर बार यहाँ से, आज जिप्सी पे जा रहे हैं। और देखो दोस्तों अभी कोई इंसिडेंस क्या हुआ, अभी बात हो रही थी तो मेरे चैनल के बारे में अजय जी बोले कि मैं भी आपका सब्सक्राइबर ही हूँ। कितने टाइम से कर रखा है आपने सब्सक्राइब? अभी सर कुछ हफ्ते ही हुए होंगे। कुछ हफ्ते हुए हैं क्योंकि मैं आजकल इस एरिया की वीडियो बना रहा हूँ ना, पवलगढ़ की। आपके शॉर्ट्स में एक वीडियो आई थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो तब से मैंने सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों ये लीजिए आ गया है अभी टेढ़ा गेट। यहाँ भी कुछ चेक कराना पड़ता है परमिट? एक इधर एक भंडारपनी पे, ठीक है। दोस्तों सीताबनी जोन में मैं कितने बार आ चुका हूँ इस रूट पे, 25-30 बार तो मेरा हो गया होगा यहाँ से जो है। पर जो मज़ा सफारी पे आ रहा है वो मज़ा अलग है। यहाँ से सफारी करने का बहुत मज़ा आ रहा है जो है, जिप्सी का अपना मज़ा है। अभी मेन जब भंडार पानी गेट आएगा उसके अंदर जाएंगे, बहुत टाइम के बाद जो है। हर बार बाहर से दिखाता हूँ भंडार पानी गेट आ गया, हर बार यही बोलता हूँ, आज उसके अंदर जाएंगे जो है। दोस्तों इस जोन में मैं आपको बता रहा हूँ, टाइगर दिखता है पर बहुत बहुत लक से जो है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे इस जोन में, टाइगर बहुत हैं। बाकी उम्मीद रखनी चाहिए जब तक हम जंगल में हैं। टाइगर अपना मूवमेंट कर रहा है, कभी ना कभी सामने तो आएगा। दोस्तों जो फीलिंग सफारी करके आ रही है ना जो है, जैसे डोगरा जी पूरा इधर उधर देख रहे हैं, एकदम सस्पेंस बनता है कहीं बैठा ना हो, क्योंकि ये ढूंढ लेते हैं भाई, इनको रोज का आइडिया है हर जंगल का, हर जंगल में कितने कितने 100 बार हो आए हैं ये, इनको आइडिया रहता है जो है। बाकी एक चीज़ देखिए, हर जगह जंगल के जितने किनारे हैं रामनगर के, सब जगह टाइगर एक्टिव है। उनकी गाय भैंस रूटीन में हो गई, उठा ले जाता है जो। अरे देखो डोगरा जी आउल ढूंढ लिया, कौन ब्राउन फिश है, कौन सा ब्राउन फिश? अरे वाह 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 ब्यूटीफुल, डोगरा जी मान गए यार। देखो डोगरा जी का फायदा दोस्तों, बर्ड लवर का टाइगर जो है, बर्ड लवर के लिए सुपर। मेरा दिल भी था कि मैं कुछ बर्ड भी कैप्चर करूं यहाँ पे, ब्राउन फिश आउल। एक थोड़ा सेल्फी दे दो सर। अच्छा ये रात को जागते हैं ना, दिन में सोता है ये। चलो बाय बाय ब्राउन फिश। मान गया आपकी आंखों को। कौन सा सुरमा लगाते हो? जबरदस्त भाई, कहाँ पे ढूंढ लिया देखा, सामने लाल पहाड़ी आ गई, अभी ग्रासलैंड आ जाएगा, फिर जामुन के जंगल आ जाएंगे। ये आ गया इसका रूट हो गया टाइगर का, देख राइट हैंड पे। ये था ये वाला रूट, जहाँ तक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो मेरा गढ़ है। लेटी गांव हो गया, चोपड़ा गांव हो गया, ये दोस्तों ग्रासलैंड। रात को जो वीडियो बनाते हैं ना इधर ही दिखाते हैं हम जो है, स्पॉटेड डियर वगैरह इधर ही होते हैं सब, और बड़े ज़बरदस्त तस्कर घूमते हैं यहाँ पे जो है इस एरिया में। सफारी का अपना मज़ा है,
अपनी गाड़ी से रुकना मना होता ना यहाँ पे। ये देखो मंकी जा रहा है आराम से, तो बहुत सारे मंकी बैठे हैं इधर। भालू भी जून में आते होंगे, जून जुलाई में सब चामुन लगते होंगे। भालू देखा नहीं कभी सफारी में, आज देखे। यहाँ भी बहुत बड़ा टाइगर है एक। एक्चुअली इस रोड पे कितनी वीडियो हैं, कितनी बार टाइगर यहाँ से निकलता है, वीडियो लोग बना लेते हैं। बहुत बार चलता है, काफ़ी लंबा चलता है इस रोड के ऊपर, तो क्रॉसिंग करता है रोड से। अक्सर सेटिंग हो जाती है ना कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ की। समर में पानी गिरे तो मैं ट्रैक करता हुआ दिख जाता है। हाँ डोगरा जी ने 5 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है यहाँ पे, बोले यहीं से क्रॉसिंग करता है टाइगर जंगल से पानी पीने के लिए। पत्थर के पीछे बैठा कान चमक रहा था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कान नहीं हिलाया, कान हिला उसका। मैंने करी गाड़ी बैक तो देखा तो टायर डर बैठा हुआ, फिर निकला हुआ ऐसे किनारे किनारे सामने भी रोड में आया, रोड रोड चल रहा है, एकदम चल रहा है वहाँ पे भी। बोले वो अपना जो वो थी मेन अपना पार वाली दुर्गा देवी में ही है। हाँ है ना, पार वाली तो दुर्गा देवी में आती है। हाँ अभी वहाँ दिख रही है। देखो अभी गाड़ी जा रही है, इसकी दूर तक आवाज़ आती है। हाँ तो जानवर भी यही देख सुन लेता है आवाज़ें, तो उसको रोड क्रॉस करनी भी होगी ना, तो वहीं रुक जाएगा एक बार, तो उसके बाद निकलेगा। इतना फर्क नहीं पड़ता हमारी जिप्सियों से, जितना फर्क उसको बोलने के बोलने से पड़ता है, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसा इसके साउंड से ना। ये हमें चुप रहना चाहिए, हमें हम तो चुप है लेकिन आगे जो जा रहे हैं सर वो थोड़े ना चुप है। हाँ देखिए दोस्तों यही साइटिंग है इनकी डोगरा जी की ढेला में। आ गया निकल गए और ये जबरदस्त रोड में देखना पीकॉक हुआ है, उसने बताया टाइगर आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, वेट करनी पड़ती है। बहुत जबरदस्त दोस्तों आगे लेपर्ड साइटिंग हो गई है, बैठा है पेड़ पे भाई 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 इनका बाबू। लेपर्ड साइटिंग, लेपर्ड साइटिंग हो रही है इधर, लेपर्ड बैठा पेड़ पे। कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? यहाँ पे बहुत देर तो खड़ा रहा है। अरे यार चला। अच्छा दो बार देगा, दो तीन बार गाड़ी तो हर में देना। बस बस बस। अरे यार इनको लेपर्ड सेटिंग हो गई, देखो यहाँ पे। अरे कांचू यार एकदम क्लियर है यार, यहाँ चढ़ा ऊपर को सीधे यार। अब भाग जाएगा, अब तो गया, गाड़ियाँ बहुत आ गई। ये साल के पेनी है, ये पेनी है तेरा, साउंड मत करना, साउंड मत करना। दोस्तों अपने वहाँ रुक गए ना 5 मिनट है ना रुकते दिख जाता है ना। यहाँ पे लेपर्ड भी बैठा था, सबको दिखाया, हमारे आने तक चला गया। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा लेपर्ड दोबारा, उसको रोड क्रॉस तो नहीं करने की। अब तक या तो ऐसा हो रहा होगा या उतरने की सोच रहा होगा। उतरने की सोच रहा है लेपर्ड, रुकना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली क्या है, अपना डोगरा जी के ब्रदर पिछली गाड़ी में हैं, तो जब वो पहले आए ना, हम पीछे रुक गए थे अभी, तो वो जो पहले आए तो उन्होंने लेपर्ड सेटिंग कर ली है उनकी गाड़ी ने, तीन गाड़ियों ने। इधर ही बैठा था ऊपर जो है लेपर्ड, देखो टाइगर दिख जाता है जिम को, लेपर्ड दिखना बहुत मुश्किल है सफारी में, पर गाँव का आजू बाजू दिखता रहता है। देखो किस कैसे हॉर्न बजाता आ रहा है बंदा, देखा ऐसे हॉर्न बजते हैं तो क्या जंगल। हाँ तो फुल स्पीड और ऊपर से हॉर्न। दोस्तों लगभग 10-15 मिनट हमने वेट करी है, पर क्या लेपर्ड बहुत शाही होता है, तो हमने फिर प्लान चेंज किया और चलते हैं भंडार पानी गेट। ये देखिए ये आगे क्लो मार्क, ये तो नए कर दिए इसने। ये देखो पुराने भी
पुराने भी हैं नए भी कर दिए। देखो दोस्तों कैसे क्लो मार्किंग करता है टाइगर, क्लो मार्किंग अलग अलग टाइगर के लग रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में किए हुए हैं, है एक ही। अच्छा ये आ गया दोस्तों भंडार पानी गेट, आपको मैं हर बार ऐसे ही दिखाता हूँ जब मैं पहाड़कोट भलौन जाता हूँ यहाँ से। आज मैं आपको यहाँ से राइट लेके जा रहा हूँ, भंडार पानी गेट से अंदर ले जा रहा हूँ। ये देखिए सीधी रोड जा रही है, ये भी सीतामढ़ी टूरिज्म जोन भंडार पानी। अब ये लेपड़ के चर्चे हो रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया भाई भंडार पानी दोस्तों, 2 साल के बाद भंडार पानी गेट। भंडार पानी अभी बता रहे थे फॉरेस्ट गार्ड के कल इवनिंग में एलिफेंट भंडार पानी गेट पे आ गया था 7 बजे। मैं क्या, तो जंगल है भाई, उसका घर है, वो तो आएगा। अभी तकरीबन जिप्सियाँ चली गई हैं, एक जिप्सी बाकी पीछे आखिरी, समझो हम सेकंड लास्ट हम हैं। इसके बाद 4:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होती भंडार पानी गेट में। वो कह रहे थे जो भी आएगा वापस भेज दूंगा उसको। अजय जी आप मुझे जानकारी दीजिए यहाँ की, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझाइए जंगल के बारे में। अभी हम लोग जो एंटर कर रहे हैं ना सर, हाँ जी, वो है एक साल फॉरेस्ट हम बोलते हैं सर, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो ट्री दिखेंगे वो साल के दिखेंगे। हाँ जी, साल ट्री एक ऐसा ट्री है सर, बहुत स्ट्रांग वुड होती है। हाँ जी, जो कि इसकी ईयर जो एज है वो है 300 ईयर सर। ओके, और इसका यूज़ जो किया जाता था वो सर जब रेलवे ट्रैक में जब स्लीपर बनते थे ना लकड़ियों के, उनमें इसका यूज़ किया जाता था। सही है जी। एक आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी काल मूवी, हाँ जी हाँ, 2005 में रिलीज हुई थी। हाँ जी, उसकी शूटिंग भी सर इधर ही हुई है, उसका लगभग 50% पार्ट जो है वो इधर ही शूट हुआ है। अजय देवगन की थी जी, अजय देवगन की जो काल। सही है भाई, ये जंगल बहुत ही प्यारा है। यहाँ जो पेड़ है ना साल ट्रीज, कैसे पूरी शेप बनाते हैं एकदम स्ट्रेट ट्री सर, देख के मजा आता है। हाँ, आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे ना और घना जंगल होता जाएगा। ये देखो पेड़ गिराया, एलिफेंट ने गिराया हुआ है रोहिणी का। ये जामुन है, रोहिणी है सर, रोहिणी इतना बड़ा, ये खाता कम गिराता ज्यादा है, गिराता ज्यादा है। ये देखिए दोस्तों जंगल का माली है सर। हाँ, शेप बनाने का काम है सर, बिल्कुल रास्ते ये बनाते हैं, डिस्टेंस करना ना बिल्कुल बीच में। कहते हैं ना जो रास्ते एलिफेंट बनाते हैं उस पे सभी वाइल्ड लाइफ चलती है, टाइगर हाँ डियर उस पे चलते हैं, क्योंकि हर्ड के हर्ड चलते हैं। झाड़ियाँ इनको देखना नहीं है, बस निकलते जाना है, रास्ता बना देते हैं जंगल में। अब ये आप टर्माइट हिल्स देखेंगे, माउंटेन का बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े साइज है प्रॉपर्टीज इसकी सर, जितनी हाइट इसकी ऊपर है ना जमीन से, हाँ जी, उतनी हाइट नीचे भी रहेगी सर इसकी। सही है, और ये हेल्दी फॉरेस्ट का साइन भी होता है बिल्कुल, वो ऐसे क्योंकि आप डेडवुड जो देख रहे हैं ना नीचे, हाँ जी, उनको डीकम्पोज करता है। वाटर होल है ये भी, नेचुरल वाटर होल है, सूख गया बिल्कुल। हाँ जी, जो आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं ना, हाँ जी हाँ, साल की तेज, हाँ हाँ, ये शो करता है कि इधर फ्रेश ऑक्सीजन को मतलब ये शो करता है यहाँ पे। क्या बात है जी, वाइट स्पॉट मतलब एक एलिजिबिलिटी है कि शो कर रहा है कि यहाँ पे इतनी फ्रेश ऑक्सीजन है। क्या बात है, इस पे दाग पड़ जाते हैं। हाँ वाइट, देखिए दोस्तों जंगल की ब्यूटी देखिए, कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है। हमें मालूम है यहाँ पे हमें डियर देखना मुश्किल है, पर हम क्या, एक भूख है जंगल की, हम जंगल देखने ही आए हैं, यही चीज़ देखने वाली है यहाँ पे। ये आपको जिम कॉर्बेट के दूसरे जंगलों में नहीं देखने को मिलेगा। एकदम ट्रैक के दोनों तरफ साल के ट्री और एकदम बीच में से ट्रैक जा रहा है। हाँ, एक बार्किंग डियर जा रहा है, इसको देख रहे थे सब लोग। लास्ट टाइम भी हमने सफारी करी थी, एक बार्किंग डियर दिखा था पूरे ट्रिप में, याद है। देखिए दोस्तों जंगल में भी यू टर्न होते हैं, देखो एकदम एग्जैक्ट यू बना हुआ है। अभी जिस ट्रैक से हम चल रहे थे
उसके बिल्कुल सामने अट्रैक्शन होगी इधर, और नीचे आएगी दाबका रिवर। दोस्तों हर चीज अपना अपनी जो पीढ़ी को बचाए हुए समझो, हर तरह की वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, ज़्यादा होती है एक्टिव रात को। देखिए साल्ट की ऊंचाई देखिए, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। इस एरिया में भालू बहुत हैं। अभी लोकल गाड़ियाँ आती हैं जंगल में ना? मंदिर ना। मंदिर देखने में नहीं आते सीतावनी? ओके दोस्तों, ये आ गया सीतावनी टेंपल। मान्यता यह है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। दोस्तों एक्चुअली क्या है, मैंने ये मंदिर दिखा रखा है आपको, आप मैं वो वीडियो का भी लिंक दे दूँगा। और आधा घंटा रह गया है एग्जिट करने में जो है। अभी देखिए जंगल पूरा एकदम शांत होकर हो रखा है जो है। दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, ये है ब्यूटी यहाँ की। गर्मी में हाथी बहुत आते हैं इधर, गर्मियों में। इस टाइम ज्यादा हाथी राजा जी तरफ होंगे, राजा जी तरफ। सर्दियों में बहुत मिलते हैं हाथी राजा जी में, बहुत मिलते हैं। सर जब गेहूं की फसल पूरी हो जाती है ना तो हमारे विलेज की ओर को भी आते हैं। हाँ खेतों में सही में गेहूं तो उसका फेवरेट है हाथी का। गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। यहाँ जिसे हम रोहिणी कहते हैं ना, सिंदूरी। हाँ जी वो सब है। हाँ रोहिणी। देखो जंगल में कोई भी जानवर है बीमार होता है उसे खुद ही ठीक होना है, यही खा के जड़ी बूटियाँ पत्तियाँ झाड़ियाँ जो भी है खुद ही इलाज करना है अपना। हाँ रामपुर का इधर से है। सेंटर में क्या दिख रहा है, बिल्कुल सामने फायरलैंड में कुछ नहीं है भाई। ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है, ये जा रही रामपुर गांव को, तो लोकल विलेजर भी जाते हैं इधर से। ये देखो एंटी पोचिंग चौकी बनी हुई है यहाँ पे भाई, ब्यूटीफुल। यही जगह सबसे प्यारी है यहाँ की। हाँ हाँ देखा कितना सुंदर पार्ट है ये यहाँ का। ये देखिए इतने साल ट्रीज एक साथ में, गिनती नहीं है हजारों ट्रीज जो है। वाइल्ड मूवमेंट नहीं है देख लो। यहाँ देखो दूर दूर तक देखा जा रहा है। हैं किस तरफ को है, पीछे को है, तो पीछे को गया है ना भाई साहब। ये तो ताजे हैं, ये तो फ्रेश हैं। हाँ ये फ्रेश हैं ये तो, क्योंकि ये देखो उभरा हुआ ऊपर को उभरा हुआ ऐसे। इधर को गया टाइगर जो है। ये अंदर को गया, इस तरफ को गया टाइगर तो है भाई। टाइगर कहाँ नहीं है,
कोने कोने में टाइगर है जिम कॉर्बेट के। तो शाम को कैसे चहचहाट शुरू हो जाती है पंछियों की, अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं सब। जानवर कितनी वैल्यू हो जाती है। आज पार्किंग डेयर में हमारे लिए टाइगर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये दाबकारी और आगे जिसका जिक्र हमारी अब हर वीडियो में हो रहा है, ये देखो चीता बनी के जंगल में से घूम के ही बीचों बीच से निकल रही है जो है। बड़ी सी बर्ड्स ही है। हाँ ये देखो मंकी, ये देखिए स्टॉर्क होगा, स्टॉर्क। स्टॉर्क से हाँ साइबेरिया से माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेटेड बर्ड है। ये कब मछली तो आ जाएगी। चलो डोगरा जी चलिए। दोस्तों इसके पीछे पूरा कोटा बाग है, कोटा बाग। यही मंदिर है, धनियाल माता का मंदिर, धनियाल देवी मंदिर। हाँ इधर ही है धनियाल देवी मंदिर, चंद्रघंटा मंदिर इसी साइड ही है। फिर उसके बाद पवलगढ़ आ जाएगा नीचे। देखो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, पवलगढ़ फॉरेस्ट से दिखा दिया, कोटा बाग से दिखा दिया, ऊपर पहाड़ी से भी दिखा दिया, और सीतामढ़ी जोन से समझा दिया कि पूरा ये वाला एरिया है। अभी रात को कॉलिंग शुरू हो जाएगी, टाइगर चलेगा, जंगल की शांति खत्म हो जाएगी। ओ रुको रुको, सामर डियर, सामर डियर, बहुत बड़ा सामर डियर। पीछे करो पीछे करो, पीछे करो पीछे करो पीछे करो पीछे करो, बड़ा बिग साइज मेल सामर डियर। पूरा फुल ग्रोन है, वाइल्ड लाइफ तो है भाई, काफी उम्र हो गई है, बुढ़ा लग रहा है। हाँ फेवरेट फूड टाइगर का सामर डियर। देखिए ठंड में भी आराम से बैठे हैं। हाँ ये भी अच्छा कैच किया सर ने। हाँ ओ वो भाग रहे हैं। ये देखो भाई ये देखो, क्या साइज तरह और भी आएंगे, इधर से आ रहे हैं। मेल चलेगा तो सब नहीं आएंगे। अच्छा एंड में मेल आता है, जैसे गायब हो जाते हैं ना। हाँ बहुत बड़ा साइज था, स्पॉटेड डियर, पूरा हर्ड मिल गया। वो भाग गए भाग गए भाग गए। विवेक जी हैं, ये देखो स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर है। अब तो वही है ना, जैसे जैसे शाम होगी ना रात होगी, क्योंकि मूवमेंट बढ़ जाएगी जानवरों की जो है। अब तो डियर ही डियर दिख रहे हैं। हाँ वो देखो बहुत सारे हैं, अपने जाते उस तरफ से हैं। हाँ आते इस तरफ से हैं। अभी ये कैरी को घूम जाएंगे लोग। हाँ कैरी वाले चले गए होंगे, कैरी वाले चले गए, कैरी वाले गेट ऑफ हो गया होगा। हाँ हाँ तो 7.5 किलो। दोस्तों ये हमारी सीतामढ़ी जोन की सफारी हुई कंप्लीट पवलगढ़ गेट से। कितने खिलाओगे पकोड़े?
थोड़े खिला खिला के गला खराब हो जाएगा। दोस्तों सीतापन जोन की सफारी करके वापस पवलगढ़, यही मैं कह रहा था। ये आ गया हमारा रिजॉर्ट होम स्टे मिड फॉरेस्ट हाउस। वाह वाह वाह। दोस्तों ये थी हमारी सीताबनी जोन की सफारी पवलगढ़ से। दोस्तों जो हमने जोर तो पूरा लगाया है कि अच्छी साइडिंग हो जाए, पर क्या है आपको पता है यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमें मालूम था, हम पहले भी गए हैं, पर क्या है एक जंगल की जगह था ना, भूख है हमें, तो हम तो जाएंगे चाहे वाइल्ड लाइफ दिखे ना दिखे, हमें आपको दिखाना भी है, खुद भी देखना है जो है। चलो तो वीडियो को ये एंड करते हैं, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।